नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सानी आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल लर्न एंड अर्न अकेडमी पर। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ सुषमा स्वराज की बायोग्राफी के ऊपर। तो आज मैं आपको 20 बिंदुओं में बताऊँगा कि कैसा रहा उनका निजी व राजनीतिक जीवन। तो बिल्कुल भी देरी ना करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। सुषमा स्वराज ने मौत से कुछ घंटे पहले अंतिम ट्वीट कर जम्मू कश्मीर के फैसले पर खुशी व्यक्त की थी। उन्होंने कई इतिहास रचे। तो आइए मैं आपको बताता हूँ 20 बिंदुओं में उनके निजी व राजनीतिक जीवन के बारे में सब कुछ। भाजपा की नेता सुषमा स्वराज का 67 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया था। सुषमा स्वराज देश की अकेली महिला राजनेता हैं जिन्हें असाधारण सांसद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनका निजी और राजनीतिक जीवन सबके लिए प्रेरणा है। भाजपा ही नहीं, अन्य दलों के नेता भी उनसे राजनीतिक सलाह लिया करते थे। विपक्ष के तमाम नेताओं के साथ भी उनके पारिवारिक संबंध थे। कोई उन्हें दीदी बुलाता था, कोई उन्हें बड़ी बहन कहता था। आइए 20 बिंदुओं में जानते हैं सुषमा स्वराज का निजी व राजनीतिक जीवन। वह किसी राष्ट्रीय राजनीति दल की पहली महिला प्रवक्ता बनी थी। हरियाणा में जनता पार्टी की वह सबसे कम उम्र की प्रभारी रही हैं। हरियाणा सरकार में सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री बनी। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड भी सुषमा स्वराज के नाम है। भाजपा की पहली महिला कैबिनेट मंत्री सुषमा स्वराज ही थी। वह अकेली महिला सांसद जिन्हें आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंट्रियन का पुरस्कार मिला। मोदी सरकार में पहली पूर्णकालिक महिला विदेश मंत्री, 2009 में लोकसभा में पहली महिला नेता प्रतिपक्ष बनी। फिल्म जगत का उद्योग का दर्जा दिया। फिल्म उद्योग को भी बैंक से कर्ज मिलने का रास्ता खुला। भाजपा की पहली महिला राष्ट्रीय मंत्री बनने का रिकॉर्ड। हरियाणा में हिंदी साहित्य सम्मेलन की 4 वर्ष तक अध्यक्ष रही। सुषमा के पति कौशल सबसे कम उम्र में राज्यपाल बनने वाले व्यक्ति हैं। सुषमा और उनके पति कौशल की उपलब्धियों का रिकॉर्ड दर्ज करते हुए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इन्हें विशेष दंपति का स्थान दिया है। विदेश मंत्री रहने के दौरान सुषमा स्वराज का नाम ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली विदेश मंत्री के तौर पर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। उनके निधन तक उनका ये रिकॉर्ड कायम रहा। महज 20 वर्ष की उम्र में सुप्रीम कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। सुषमा स्वराज का अटल आडवाणी का भरपूर स्नेह मिला। इसके बाद मोदी शाह की जोड़ी के भी बेहद करीब रही। एक समय था जब भाजपा में अटल बिहारी वाजपेयी के बाद सुषमा स्वराज और प्रमोद महाजन सबसे लोकप्रिय नेता थे। सड़क से लेकर संसद तक उनकी गिनती डी फॉर में होती थी। उनके अलावा शेष 3 नाम प्रमोद महाजन, अरुण जेटली और वेंकैया नायडू थे। सुषमा स्वराज केवल भारतीयों के लिए ही नहीं, पाकिस्तानी और बहुत से विदेशियों के लिए मसीहा रही हैं। 11 अक्टूबर 2017 को पाकिस्तानी महिला नीलिमा गफ्फार का भारत में इलाज करने के लिए उन्होंने तत्काल वीजा जारी करवाया था। नीलिमा के पति ने सुषमा स्वराज से इसके लिए अनुरोध किया था। गलती से पाकिस्तान पहुंच गई मूक बधिर युवती गीता की 10 वर्ष बाद सुषमा की वजह से ही भारत वापसी संभव हो सकी। 26 अक्टूबर 2015 को जब वह वापस लौटी तो सुषमा ने उसे भारत की बेटी कहा था। इतना ही नहीं, उन्होंने गीता के माता पिता की तलाश के लिए 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। 2019 का लोकसभा चुनाव ना लड़ने का फैसला लेने के बाद सुषमा स्वराज ने 1 माह की निर्धारित अवधि खत्म होने से पहले ही सरकारी आवास खाली कर दिया और जंतर मंतर स्थित अपने निजी फ्लैट में शिफ्ट हो गई थी। ये उनके व्यक्ति का बहुत बड़ा उदाहरण है।
सुषमा ने अपने राजनीतिक या निजी जीवन में कभी ऐसा काम नहीं किया जिससे उनके परिवार या पार्टी की साख पर कोई आंच आए। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें सुषमा स्वराज जी से जुड़ी हुई। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, खुश रहें। धन्यवाद।